मूवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरविज न्यू। आज इस एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिशन मंगल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिशन मंगल जो सुपरस्टार अक्षय कुमार की मूवी है, पंजाबी बॉय अक्षय कुमार की मूवी मिशन मंगल कल रिलीज़ होने वाली है ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने वाली है। कल आपको पता है छुट्टी भी है, 15 अगस्त है, और कल के दिन मूवी धमाल करने वाली है। कल भी मैंने आपको एक वीडियो एडवांस बुकिंग के बारे में बताई थी, लेकिन उसमें मेरी छोटी सी गलती हो गई थी। मैंने उसमें आपको गलती से कह दिया था कि ये नासा की मिशन मंगल पे बेस्ड है, वहाँ पे मुझे बोलना चाहिए था इसरो के, और वहाँ पे एक कमेंट मुझे देखने को मिला था, वहाँ पे बंदे ने करेक्ट किया था, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, जल्दी जल्दी में मैंने नासा कह दिया था। मैं आपको बता दूँ, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस मूवी की एडवांस बुकिंग, और कहाँ की वो भी दिल्ली की बताऊँगा, मुंबई की बताऊँगा, हैदराबाद की बताऊँगा, और ज़बरदस्त इस मूवी की एडवांस बुकिंग चल रही है, और इस मूवी को शोज़ जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। कल अगर मैं आपको बताऊं, कल मॉर्निंग तक जो शोज़ थे वो अराउंड 400 के आसपास शोज़ थे, और शाम तक इसके शोज़ जो इंक्रीज़ हो गए थे दिल्ली में वो अराउंड 500 के आसपास थे, 500 से 550, और जब आज मॉर्निंग में अगर देखेंगे तो शोज़ ज़बरदस्त इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो पूरी की पूरी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ अक्षय कुमार की मूवी मिशन मंगल के बारे में, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक पहले ही कर लें अगर आप भी अक्षय कुमार के फैन हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये मूवी पहले दिन में ज़बरदस्त ओपनिंग लेने वाली है, धमाल मचाने वाली है। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम काम सही कर रहे हैं या वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो सही बना रहा हूँ या नहीं, तो उससे ये पता चलता है, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब सीधे मैं आपको इसकी एडवांस बुकिंग बताने चलता हूँ। तो पहले मैं बता दूँ, मिशन मंगल जो 15 अगस्त को रिलीज़ होगी, अक्षय कुमार है इसमें, विद्या बालन है इसमें, तापसी पन्नू है, तो काफ़ी बड़े बड़े आपको नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में कल तक जो मैंने आपको बताया था कि शोज़ जो इस मूवी को मिले थे वो अराउंड 400 के आसपास शोज़ थे, लेकिन आज मूवी के शोज़ ज़बरदस्त इंक्रीज़ किए गए हैं और अराउंड 700 से ज़्यादा शोज़ इस मूवी को मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 700 से ज़्यादा इस मूवी को शोज़ मिल चुके हैं, जो कि एक अपने आप में ही एक बहुत अच्छी बात है कि मूवी को जो शोज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि दो मूवीज़ रिलीज़ हो रही है, बाटला हाउस भी रिलीज़ हो रही है, तो कुछ शोज़ उसको भी मिलना है, नहीं तो इस मूवी को मिशन मंगल को और भी ज़्यादा शोज़ मिलते हैं। अगर अब बात की जाए जो 30 अगस्त को मूवी रिलीज़ होगी साहो को, तो उसको ज़बरदस्त शोज़ मिलने वाले हैं, उसको लगभग कह सकते हैं 900 के आसपास शोज़ मिलेंगे सिर्फ दिल्ली में ही। तो मिशन मंगल जिसे 700 शोज दिल्ली में मिल चुके हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 12 से 13 शोज़, जी हाँ 12 से 13 शोज़ बिल्कुल फुल हो चुके हैं, यानी कि उसमें अब कोई भी टिकट नहीं ले सकता, बिल्कुल फुल हो चुके हैं वो शोज़। और बात की जाए फास्ट फिलिंग की, यानी कि जो शोज़ रेड हो जाते हैं, तो 160 से ज़्यादा शोज़ ऐसे हैं जो फास्ट फिलिंग दिखा रहे हैं, यानी कि वो कुछ ही देर में थिएटर जो है फुल होने वाले हैं, और उनमें बुकिंग, टिकट बुकिंग जो है जल्दी बहुत फास्ट चल रही है, तो वो शोज़ फुल होने वाले हैं। तो मिशन मंगल की जो दिल्ली की रिपोर्ट है वो ज़बरदस्त रिपोर्ट है। और फिर मैं आपको बता दूँ, 700 शोज़ मूवी को मिले हैं, 700 से ज़्यादा शोज़, ऑलमोस्ट 12 से 13 शोज़ जो है बिल्कुल फुल हो चुके हैं, और हाउस जो है पैक्ड हो चुका है, थिएटर पैक्ड हो चुका है। और वहीं बात की जाए 160 से 170 शोज़ हैं वो फास्ट फिलिंग दिखा रहे हैं, यानी कि वो शोज़ भी फुल होने वाले हैं कुछ ही देर में। अब मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी ये मूवी जो है धमाल मचा रही है, मुंबई में शोज़ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किए गए हैं, और 750 से के आसपास मूवी को शोज़ मिले हैं सिर्फ मुंबई में, मुंबई सिटी में इसको 750 से आसपास के शोज़ मिले हैं, और जिसमें से 13 से 14 शोज़ जो हैं वो फुल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट फुल, यानी कि अब उन शोज़ में बुकिंग नहीं हो सकती, वो फुल हैं। और वहीं बात की जाए 170 से ज़्यादा शोज़ ऐसे हैं जो कि फास्ट फिलिंग दिखा रहे हैं, यानी कि उन शोज़ में आने वाले 1 से 2 घंटे में वो शो जो है फुल होने वाले हैं, पूरे के पूरे थिएटर जो हैं सारे के सारे वो फुल होने वाले। तो मुंबई की रिपोर्ट में फिर से एक बार आपको बता दूँ, 350 शोज़ इस मूवी को मिले हैं, जिसमें से 13 ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं और 170 फास्ट फिलिंग दिखा रहे हैं, यानी कि जो रेड शोज़ होते हैं जिनमें फास्ट फिलिंग बुक टिकट जो है बुक होनी जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, जल्दी जल्दी टिकट जो है बुक हो जाती है। हैदराबाद जिसमें मैंने जब आपको पहली अपडेट हैदराबाद की दी थी, तो वहाँ पे सिर्फ 2 थिएटर्स थे इस मूवी के पास और शोज़ कम से कम 4 से 5 शोज़ थे, लेकिन अब आज अगर बात की जाए तो हैदराबाद में 166 शोज़ से ज़्यादा हो चुके हैं, 166 प्लस शोज़ इस मूवी को मिल चुके हैं हैदराबाद में, जिसमें से ऑलमोस्ट
15 शोज जो हाउसफुल है। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग है, 15 से ज़्यादा शोज ऐसे हैं जो बिल्कुल फुल हो चुके हैं, हाउसफुल हो चुके हैं। उसी के साथ बात की जाए फास्ट फिलिंग की, तो 111 शोज हैं जो फास्ट फिलिंग दिखा रहे हैं, यानी कि आने वाले कुछ ही घंटों में, तीन से चार घंटों में वो शोज भी फुल हो जाएंगे। तो मिशन मंगल की जितनी भी रिपोर्ट अभी तक आ रही है वो ज़बरदस्त है। कलेक्शन की बात की जाए तो मूवी कलेक्शन भी ज़बरदस्त करेगी। अब तो मूवी का जो कलेक्शन है और भी इंक्रीज़ होने वाला है। अगर कलेक्शन की बात की जाए तो अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि मूवी 22 करोड़ का कलेक्शन करेगी ही करेगी, और मूवी अराउंड 23 से 24 करोड़ के आसपास भी जा सकती है पहले दिन। जी हाँ दोस्तों, 23 से 24 करोड़ के आसपास भी मूवी का फर्स्ट डे का कलेक्शन हो सकता है। वैसे 23 करोड़ और 22 करोड़ का बिल्कुल चांसेस है कि मूवी करेगी ही करेगी फर्स्ट डे में, अगर ऑक्यूपेंसी बढ़ती है अभी, क्योंकि नाइट शोज तक और भी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मूवी जो है 21 से 22 करोड़ का कलेक्शन फर्स्ट डे में अपने करेगी करेगी, और ये मूवी अक्षय कुमार की करियर की एक ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर होने वाली है। और जितना भी मैंने आपको बताया, दिल्ली की ऑक्यूपेंसी, मुंबई की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद की ऑक्यूपेंसी, आपको क्या कहना है उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको इसी तरह से अक्षय कुमार की मूवीज़ की अपडेट, रेगुलर अपडेट चाहिए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद।